जय हिंद जय भारत। मैं आर्म्स मिनिस्ट्री बालाजी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज ये मेरी कर्म भूमि आसाम राइफल, यहीं से मैंने अपना कैरियर की शुरुआत की थी, यानी कि मैं 2016 में रिटायर हुआ था तो यहीं में मैंने एक आर्मी स्टोर डाला था। आसाम राइफल ने मुझे इतना प्यार मोहब्बत दिया कि आज भगवान की दया से ऑल इंडिया में हमारे स्टोर हैं। तो मैं आसाम राइफल को अपनी मातृभूमि के साथ साथ कर्म भूमि मानता हूँ। आसाम राइफल ने हमारे परिवार को एक ऊंचाइयों तक पहुँचाया है। आज हमारी कंपनी का टर्नओवर एक बेहतर स्तर पर है। हम बोले तो हम खुद मैन्युफैक्चरर हैं आर्मफिट के नाम से। हमारी एक फैक्ट्री लुधियाना में है, एक फैक्ट्री नोएडा में है और हमारे आउटलेट हैं ऑल इंडिया में है। ये किसकी बदौलत है? सिर्फ आसाम राइफल की बदौलत है। आसाम राइफल ने जो प्यार दिया, मोहब्बत दिया, हम पे विश्वास किया। कुछ गलतियाँ हम में है, मैं नहीं मानता कि मैं पूर्ण रूप से सही हूँ। गलतियाँ किया है, मैं उसमें सुधार कर रहा हूँ, प्रोडक्ट को और अच्छा कर रहा हूँ, उसमें रेट का के बारे में पूरा गौर कर रहा हूँ। लेकिन आसाम राइफल के साथ कभी चीटिंग या धोखा नहीं करूँगा, क्योंकि जो भी है मेरा परिवार पल्ला है वो आसाम राइफल की वजह से पल्ला है। कोई मेरे को आसाम राइफल के बारे में गलत बोलता है, मैं हालांकि मैं आर्मी से हूँ, गार्ड रेजिमेंट से हूँ, लेकिन आसाम राइफल के बारे में अगर कोई गलत बोलता है तो मैं वही पकड़ लेता हूँ। ये मेरी कर्म भूमि है, इसके बारे में कोई गलत नहीं बोल सकता है। उन्होंने मुझे सम्मान दिया है, मान दिया है, उसके लिए मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, मेहरबान हूँ। और आपने इतना सम्मान दिया मुझे, याद दिलाया, इसके लिए मैं संसार का उसी साहब का सभी का शुक्रगुजार हूँ। जय हिंद जय भारत। और साहब का खेल पूरे एक साथ